प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सरकार एलपीए दायर की थी, डबल बेंच पर गई थी, उसके बाद जो एएनएम का मामला था उसे रिजर्व कर दिया गया था, यानी कि मामला सुरक्षित कर दिया गया था। और मैंने आपको जानकारी दिया था कि एक सप्ताह के अंदर में आप लोग का जजमेंट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज आ चुका है आप लोग के जजमेंट को लेकर के। कब आप सभी का फैसला सुनाया जाने वाला है, सभी कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियली वेबसाइट है, ई कोर्ट का ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं पटना हाई कोर्ट के भी ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर के चलूंगा। सबसे पहले ये देख सकते हो एलपीए 238 और जो भी इस केस में मर्ज हुए थे, बहुत सारे और एलपीए मर्ज हुए थे, सभी के सभी केसेस में यही अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि 29 अप्रैल 2024 को नेक्स्ट हियरिंग डेट है। इससे आपको घबराना नहीं है, 29 तारीख को ना ही बहस होगा ना ही कुछ होगा, केवल जो जजमेंट इतने समय से यहाँ पर लिखा जा रहा था, जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि 69 पेजेस का इतना दिन लगा था तो इतना दिन इसमें लगेगा, तो यहाँ पर आप लोग का केवल और केवल फैसला आना है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल फैसला आना है 29 तारीख को। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 29 को क्यों नहीं, क्यों आएगा आज, क्यों नहीं कल, क्यों नहीं दो दिन बाद क्यों? तो देखिए, सबसे पहले तो आज सैटरडे है, सैटरडे को आप कह सकते हो शाम को ही डेट आया है, उसके बाद कल संडे है, तो संडे को तो छुट्टी होता है, वो आपको ही पता होगा, यानी कि वर्किंग डे आपका मंडे को पड़ता है, और इसी कारण से मंडे को आप सभी को जजमेंट आने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं है कि किनके पक्ष में केस जाएगा किनके पक्ष में नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर, आपको अभी से ही मैं बता देना चाहता हूँ, लोग आपको बताएंगे कि ये 100% जीतने वाले हैं, ये 100% जीतने वाले हैं, खुद वो 100% नहीं होंगे लेकिन आप लोगों को 100% बता रहे हैं, ये एकदम गलत बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहस चला है, बहस एक दो दिन ही चला है कि आप ये कहिएगा कि एक तरफा केस था, एक तरफा केस नहीं था, सभी दोनों अपने पक्षों से अपना बयान रखे हैं, अपना सभी रखे हैं, चांस मेरे अनुसार 50-50 है, और मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा बहुत चांस है, मुझे जो लगता है, मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग को घबराना नहीं है इसे कि सर आप ये क्या बोल दिए, लेकिन जो मुझे उम्मीद लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा संविदा के पक्ष में लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बार खुलकर बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा पक्ष यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ 60-50 मुझे चांस लग रहा है, बाकी अब देखना होता है, सॉरी 60-50 जो ये चांस मुझे लग रहा है वो 60-40 का लग रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बाकी कोई भी घबराने की बात नहीं है, अब इसके कारण से जो एग्जाम पास हुए वो लोग मत घबराइएगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो, देखिए चांस सभी का है। अब जो दूध का दूध और पानी का पानी होना है वो 29 तारीख को होगा, जैसे ही फैसला आता है मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जजमेंट और किस प्रकार से जजमेंट दिया गया है, किस आधार पर और किनकी जीत हुई है, सभी कुछ मैं बताऊंगा, अभी आपको घबराना नहीं है। 29 तारीख आपके जिंदगी का एक तरीके से, जो बहालियों में आवेदन किए हैं बहुत सारे लोग का फ्यूचर और बहुत सारे लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। बाकी धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देने के लिए, जैसे ही कोई और अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा, तो लेटेस्ट अपडेट ये आप सभी को बताना था तो आप लोग को बता दिया, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।